All of you, I welcome to you in ancient online classes. अपना जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था. आज जो सेकेंड चैप्टर है उसका जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी एक वेरिएबल यानी एल्जेब्रिक नंबर दिया हुआ हो उस इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे. जैसे एक अपन एक्सरसाइज 2.1 की तरफ आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5. तो इसमें इक्वेशन दी हुई है एक्स माइनस 4. अब इसको सॉल्व करके ना एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि दोनों तरफ है जो 4 को ऐड कर देंगे. जैसे ही ऐड करेंगे तो एक्स माइनस 4 में भी प्लस 4 हो जाएगा, इधर 5 में भी प्लस 4 हो जाएगा. तो जो माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 4 9. फिर ऐसे कैसे अगर मान लो जैसे सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3y = 0. तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले अपने को y की वैल्यू निकालनी थी. तो अपन क्या करेंगे, इधर y के कोएफिशिएंट में 3 है तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे 3 से. जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो 3y/3 हो जाएगा, इधर 0/3. 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 टाइम, यानी रह गया इधर y, और इधर क्या हो जाएगा, 0 को जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0, यानी वाई की जो फाइनली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0. फिर जो सेकेंड 7 नंबर क्वेश्चन है इसी का ही सेम ही है, 3/7 + x = 17/7. तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये जो है x की वैल्यू निकालनी है. तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इधर प्लस 3/7 हो रहा है तो इसमें दोनों तरफ है जो 3/7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों कट जाएंगे, सेम वैल्यू है इसलिए और सिंबल अपोजिट है इसलिए. और इधर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन की जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 17 - 3/7 यानी हो जाएगा 14/7. और 14 को 7 से जैसे ही डिवाइड करते हैं तब जो अपने डिवाइडेशन करते हैं तो 2 टाइम्स डिवाइड होता है क्योंकि 7 × 2 होता है 14. तो x की वैल्यू अपने फाइनली आ जाएगी 2. अब जैसे नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है इसमें क्या है, 1.6 = y/1.5. इसमें अपने को y की वैल्यू निकालनी है. तो 1.6 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1. अब क्या करेंगे, इधर अपने डिवाइड में 1.5 है तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जैसे ही 1.6 को 1. राइट लेफ्ट हैंड साइड में 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 5/1.5 × हो जाएगा 1.5. तो 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा और इसमें जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1.6 × 1.5. जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2.4, यानी फाइनली अपने पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.4. और इसी प्रकार से अपने क्या आ जाएगी, जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. अब जैसे अगला जो 15th क्वेश्चन है इसमें क्या है, x/3 + 1 = 7/15. ये तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 1 इधर आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इधर भी -1 करेंगे इधर भी -1. तो इधर -1 करते ही है जो यहाँ पे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा x/3. इधर फ्रैक्शन की एडिशन करेंगे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1. अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 1 का एलसीएम हो गया 15. 15 को 15 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम है तो 1 × 7 करेंगे 7, माइनस तो माइनस. फिर 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15 times. 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 15. अब 7 - 15 करते हैं तो पीछे है जो -8 आएगा, माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव नंबर्स ज़्यादा है. फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में हो गया x/3, राइट हैंड साइड में -8/15. अब क्या करेंगे, अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो अपॉन वाला 3 हटाना है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों साइडों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली रहेगा x, और इधर है जो 8 - 8/15 को जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तब है जो 3 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, क्योंकि 3 5 जो 15 होता है, और फाइनली जो x की वैल्यू आ जाएगी वो होगी -8/5।